कई ऋषि मुनियों पर अत्याचार करती जा रही हो, आश्रम तोड़ रही हो, यज्ञ भ्रष्ट कर रही हो आचार्य श्री का, तो मैं हाथ पे हाथ रखकर कैसे बैठ सकता हूँ? वो हूं जिसे ब्रह्मा के आशीर्वाद से किसी भी युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं वो पवन पुत्र हनुमान हूं जिसके पास पवन देव के आशीर्वाद से उनसे भी तीव्र गति है। मैं वो हूं जिसकी देह इंद्र के आशीर्वाद से वज्र से भी अधिक कठोर है। मैं वो हूँ जिसे अग्नि देव ने आशीर्वाद दिया है, जिससे कोई भी अग्नि मुझे जला नहीं सकती। मैं वो हूँ जिसे सूर्य देव ने
लघुमा और गरिमा जैसी योग सिद्धि का आशीर्वाद देकर किसी भी आकार को धारण करने की क्षमता दी है। मैं वो हूं जिसे स्वयं यम ने अजर और अमर रहने का वरदान दिया है। जिन जिन देवताओं का तुमने नाम लिया है, संभव है तुम्हारे पास उनकी दी हुई शक्तियां हैं, क्षमताएं हैं, किंतु मेरे पास तीनों लोगों को जीतने वाले महाबली रावण की दी हुई शक्तियां हैं। मैं उन शक्तियों का उपयोग करके सिर्फ तुम्हें ही नष्ट नहीं करूंगी, बल्कि उन सभी ऋषि मुनियों को जो कि देवताओं की दिन रात पूजा में लगे रहते हैं, सबका अंत कर दूंगी। और तू तू कुछ नहीं कर पाएगा। बस ताड़का बस। विनाश नहीं कर सकते और तारका का जन्म तो शिव के दिए वरदान से ही हुआ है। तुम भला अपने दिए हुए जीवन को कैसे मृत्यु दे सकते हो? फिर तारका की मृत्यु मेरे हाथों लिखी है ना, इसीलिए मुझे गुरु विश्वामित्र के आदेश की प्रतीक्षा करनी है। अरे तुम तो भयभीत हो गई। मेरे प्रभु श्री राम ने कहा है कि जो तुमसे भयभीत हो जाए, चाहे वो तुम्हारा शत्रु ही क्यों ना हो, उसे छोड़ दो। युद्ध में युद्ध की मर्यादा को कभी नहीं भूलना चाहिए। शत्रु के साथ भी सभ्यता की मर्यादा का सदा पालन करना चाहिए। जाओ भयभीत ताड़का, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, किंतु इस वन में आज के बाद मुझे तुम्हारी परछाई भी नहीं दिखनी चाहिए। जय श्री राम। नारायण नारायण। जय हो जय बजरंगी, अंजनी के लाला सारे कपिकुल के पुजियारे। जय हो श्री महाराज केसरी की आंखों के तारे। जय हो जय बजरंगी, जय हो जय बजरंगी, अंजनी के लाला सारे कपिकुल के पुजियारे। जय हो श्री महाराज केसरी की आंखों के तारे। जय हो जय बजरंगी, जय हो जय बजरंगी। आयुष्मान भव। मारुति,
कल्याण हो मारुति। तुमने आज सभी देवताओं और वन के सभी ऋषियों के हित में जो साहस और शौर्य दिखाकर ताड़का को इस वन से भगाया है, उसके लिए तुम्हें कोटि कोटि साधुवाद है मारुति। किंतु आश्रम जाने से पहले तुम्हें एक कार्य और करना होगा। आदेश दे सूर्यदेव। मेरे भक्त और तुम्हारे गुरु प्राचार्य तृणबिंदु ने जो अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ किया, तुम्हारे शौर्य से सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। इसीलिए प्राचार्य तृणबिंदु को उसका फल मिलना चाहिए, और फल माता लक्ष्मी ही दे सकती हैं, जिन्होंने अभी जनक के यहाँ सीता के रूप में अवतार लिया है। अपने गुरु को यज्ञ का फल दिलवाने हेतु तुम्हें माता सीता के पास जाना है। आगे मार्गदर्शन वही करेंगी। आपने तो मुझ पर सीता मैया का बाल रूप में दर्शन करने का सौभाग्य देकर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है सूर्यदेव। मैं अभी जाता हूँ। सफल भव। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान महिमा अनंत जाको सिद्धि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति देखी देखी वैरिनी को अंत। मेरी प्यारी गुड़िया गुड़िया मेरी प्यारी गुड़िया गुड़िया मेरी प्यारी गुड़िया गुड़िया मेरी प्यारी गुड़िया। अरे बेटी सीता, चलो अपनी गुड़िया से बाद में खेलना, पहले ये खीर खा लो। देखो तुम्हारी माँ ने ये कितने स्नेह से बनाई है। आओ। तुम यहाँ बैठकर खीर खाओ, मैं अभी वापस आती हूँ। बाल रूप में मुझे दर्शन का सौभाग्य देकर सब कुछ दे दिया आपने माँ। अपने गुरु के आश्रम में किए जा रहे यज्ञ की रक्षा के साथ साथ वन के सभी ऋषि मुनियों को आसुरी भय से मुक्ति दिला दी। आयुष्मान भव मारुति, कीर्तिमान भव। पुत्र के लिए क्या आज्ञा है माता? सेवक तत्पर है। सर्वप्रथम तो सेवक बने मारुति के पीछे जो शिव मुझे दिख रहे हैं, उनका अभिनंदन। अब आचार्य तृणबिंदु का सौभाग्य देखो, कौन उन्हें यज्ञ का फल दे रहा है, कौन उस फल को उन तक पहुंचा रहा है। अपने भक्तों पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना माँ।
पार्वती, संभालो अपने गुरु का फल। समझ गया माँ, ये साधारण चावल के कण नहीं है। मेरे आचार्य तृण बिंदु के लिए लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है। आपके आशीर्वाद स्वरूप मिले ये कुछ दाने ही मेरे गुरु के आश्रम को धन धान्य से भर देंगे। अब आज्ञा दे माँ। वाह बेटी सीता, आज तो तुमने सारी खीर अपने आप ही खा ली। बड़ी समझदार हो गई है मेरी बेटी। जय हो जय बजरंग बली की। मारुति, दामोदर, तुम जानते हो मारुति कहाँ है? माँ, मारुति कहाँ थे तुम और इतनी भोर में कहाँ जाकर आ रहे हो? माँ, जब से आश्रम आया हूँ, सूर्योदय से पहले भोर में घूमने और सूर्य नमस्कार कर फिर योग और ध्यान करने का क्रम बन गया है कुछ। क्यों? नहीं, बस यूं ही बताकर चले जाते तो अच्छा होता। तुम्हें तो पता है ना, आँख खुलते ही तुम्हें अपने पास ना पाऊँ तो मैं कितना घबरा जाती हूँ। ये आश्रम है माँ, ये आश्रम है, यहाँ तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, देख लो। मैं अभी आई। हाँ, अच्छा किया जो सही समय पर आ गए मारुति। पता है मैं कितना डर गया था, माँ मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। अच्छा सुनो मारुति, रात में पता है एक विचित्र सी बात हुई थी। माँ की आंखें खुल गई और वहाँ उनके पास तुम्हारे स्थान पर मैं सो रहा था। मेरी तो सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। माँ ने मुझे देखा और बहुत स्नेह से मेरे सर पर हाथ फिराकर सो गई। यानी मैं नहीं, तुम थे उनके लिए। समझ में नहीं आ रहा है ना ये सब मारुति? इसमें समझने की बात क्या है? माँ को हर बच्चे में अपनी ही संतान दिखती है। इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित मत हो दामोदर, और अधिक मत सोचो। चलो बाहर चलकर देखते हैं कैसा शोर है। हाँ चलो। Thank you.
बड़ा कठिन होता है इंद्रियों को इन सब के लिए संयमित करना। हुँ? कि तुम मन में सच्ची भक्ति हो तो ईश्वर के आशीर्वाद से न भूख लगती है न प्यास। और फिर ये व्रत तो मैं मारुति के लिए कर रही हूँ। यदि ऐसी बात है नाना श्री तो मैं भी प्रण करता हूँ मारुति की माँ को इस व्रत में किसी भी मूल्य पर सफलता प्राप्त नहीं करने दूंगा।